पूर्णिया जिला प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर हर चौक चौराहे पर पोस्टर, बैनर और नुक्कड़ सभा के द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें पूर्णिया प्रशासन से लेकर छात्र छात्राएं और कलाकार अहम भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा हर सशक्त माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। आम जन जान सके और उनके त्यौहार है मतदान करना, उस त्यौहार को कर सके, उसी के परिप्रेक्ष्य में जैसे पौसे पूर्णिया और पौसे पान बड़ा सिनोनिम्स दोनों मिलता है, तो जिला प्रशासन की तरफ से एक स्लोगन पासवन कर रहा है जो कि आप लोग देख रहे हैं, फैलिए पान पूर्णिया वाला, आप वोट डाल के खोल दें लोकतंत्र के ताला। जो आम जन है जो पान खाना शौकिया तौर पर पान खाते हैं, आप देखते हैं पान के दुकान पर नॉर्मली जो जागरूक वर्ग हैं समाज के वो ढेर सारा चर्चा करते हैं, तो वो वहाँ पर अपना पान खाने के बाद वो इस स्लोगन को अगर एक बार कहते हैं, पढ़ते हैं, ये सारे पोस्टर पूर्णिया के विभिन्न जिला के विभिन्न पान दुकानों पर चिपकाया जा रहा है। ये पान एसोसिएशन के लोग हमारे साथ हैं जो इसमें बराबर भागीदारी कर रहे हैं, कि ये लोग कह रहे हैं कि हम अपने दुकान पर से चिपका देंगे, जिससे कि पढ़ेंगे और सारे पब्लिक पान खा के और एक शान से एक गर्व के साथ मतदान करेंगे। और इस बार जो पूर्णिया का लक्ष्य हम लोग रखते हैं कि 100% मतदान सुनिश्चित हो, वो भी वोटर छूटे नहीं, चाहे वो दिव्यांग हो, वृद्ध हो, सबके सब वोट अपना दे पाए और इस जो त्यौहार है मतदान रूपी त्यौहार है इसको सफल बनाए। वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ये जागरूकता अभियान कहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में सारे स्तर पे जहाँ पे कम वोटिंग का क्षेत्र है वहाँ पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, प्लस हमारे मतदाता जागरूकता रथ हैं जो कि हमारे पूरे जिला भर में जगह जगह ग्रामीण स्तरों पर चलाया जा रहा है। अब ये पोस्टर है तो ये सारे पान दुकान पर भी लगवाया जा रहे हैं क्योंकि इस्टाब्लिश होंगे, स्थायी रूप से वहाँ लगा रहे हैं। दायित्व सौंपा है 100% मतदान के, इसको किस तरह से आप निर्माण करेंगे? प्रचार के माध्यम से निर्माण करेंगे, इस पोस्टर को दुकानों में चिपकाएंगे, उसी के माध्यम से प्रचार। कहाँ तक आप इन पोस्टर्स को लेकर जाएंगे, सिर्फ शहरी क्षेत्रों के पान दुकान में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रामीण जिला प्रशासन ने आप लोगों पर एक जिम्मेदारी सौंपी है, ऐसे में उत्साह कैसा है आप लोगों को? बढ़िया उत्साह, सभी वोट देने के लिए कहेंगे।